أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد ورد في زيارة يوم عاشوراء عن الباقر عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعلني محيايا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلوات من الله गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह तौबा की तिलावत फरमा के मरहूम तपी राशिद मिराज और मरहूमा ताहरा भाई गुलाम रजा मोहम्मद हुसैन की रूह को हदिया करते हैं। बार मिलजुल के सलावात भेजिए मोहम्मद दस शबों पहले जिन मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ था और जिस चांद के निकलते ही अदादार फर्श अदा पे आके हक पे मोहब्बत व उजरत हक पे मोहब्बत व हक पे तबलीग अदा कर रहे थे, नहीं लगता कि 10 शबें गुजर चुकी हैं। लेकिन जो मुहर्रम का चांद निकला था आज वो इतना सफ़र तय कर चुका है कि आशूर की शब आ गई। आशूर की शब जो गिरिये की शब है, बेचैन होने की शब है, दिल के तड़पने की शब है। जी तो यही चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ करबला को याद करके रोया जाए और रुलाया जाए। लेकिन हुसैन जिन्होंने न सिर्फ अपनी जान बल्कि अपने साथ 72 जाने अल्लाह की राह में दी, न सिर्फ जान दी बल्कि सरों की चादरें तक दे दी, उस हुसैन ने जिस मकसद के लिए ये सारी कुर्बानियाँ दी थी, थोड़ी देर उस मकसद पे गुफ्तगू न की जाए तो हक़ हुसैन अदा नहीं होता।
मेरे अजीजों, सबसे पहले एक रवायत सुन लीजिए, और वो रवायत इसलिए सुना रहा हूँ कि मजलिस इस वक्त भी है, मजलिस कल शब में भी थी, मजलिसें होती रही हैं और मजलिसें होती रहेंगी। आज़ादारी होती रही है, आज़ादारी होती रहेगी, नौहे होते रहे हैं, नौहे होते रहेंगे, मरसिए होते रहे हैं, मरसिए होते रहेंगे, मातम होता रहा है, मातम होता रहेगा। ये तो उस मालिक का वादा है जो इस कायनात का चलाने वाला है। मसला इसका नहीं है कि मजलिस होगी कि नहीं होगी, वो तो होगी। मसला इसका है कि मजलिस होगी तो उसमें हम होंगे कि नहीं होंगे। आज इस फर्शादा पे कुछ लोग बैठे हैं, कल शब में कुछ ज्यादा लोग थे, परसों मसलन कुछ कम लोग थे। इसका मतलब यह है कि हम में से हर एक को मुसलसल ये तौफीक मिले कि वो फर्शादा तक अपने आप को पहुंचा सके, ये भी यकीनी नहीं है। कुछ वो हैं जिन्होंने पहली शब से आज तक किसी मजलिस किसी शब में भी अपने को किसी न किसी मजलिस में पहुंचने से महरूम नहीं होने दिया। हम में ही से कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने पहले ही से इस तरह से अपने बारे में फैसला कर लिया है कि 7 मुहर्रम से चले गए। हम में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और आज़ादारी को अपने लिए महदूद कर लेते हैं और सिर्फ शब आशूर और आशूर के दिन के आज़ादार के शक्ल में सामने आ जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें ये तौफीक दी है कि वो आए हैं, अल्लाह उनकी तौफीक बढ़ाएगा इसलिए कि वो आते हैं। लेकिन अजीज़ों, में जो बात कहना चाहता हूँ, जो रिवायत मैंने पढ़ी, जो आपको सुनाना चाहता हूँ, उससे सुन लें। रिवायत ये कहती है कि ज़मीन पर मोमिनीन कहीं जमा है और वहाँ जिक्र खुदा हो रहा है, अल्लाह की याद, अल्लाह वालों की याद, आखिरत की बात, तकदीस खुदा, हम्द खुदा, गुनाहों पर इस्तग़फ़ार, ऐसी मजलिस ज़मीन पर हो रही है, ऐसी जगह मोमिन जमा है। तो जब किसी ऐसी जगह जब मोमिन जमा होते हैं तो फरिश्ते उधर से गुजरे तो रुक गए, और रिवायत के जुमला है कि उस मजमे और उस मजलिस के सरों पर रुक जाते हैं, और उसके बाद जब ये फर्श पर बैठे हुए लोग दुआ करते हैं तो ऊपर जो फरिश्ते होते हैं वह आमीन कहते हैं, और जब ये फर्श पर बैठे हुए लोग गिरिया करते हैं अल्लाह को, अल्लाह के बंदों को, अपने गुनाहों को याद करके गिरिया करते हैं, तो इनके रोने पर साथ साथ फरिश्ते भी रोते हैं। हुसैन रोने वालों का मोहताज और मुंतजर नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने गुनियतुत तालिबीन में रवायत लिखी है कि जिस दिन से हुसैन शहीद हुए हैं अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते आसमान से भेजे हैं, जिनका काम सिर्फ यह है कि वो कब्र हुसैन का तवाफ करते रहें और हुसैन पर रोते रहें। हुसैन रोने वालों का मोहताज नहीं है, लेकिन जो रो सके ये उसकी खुशनसीबी है। हुसैन पर गिरिए का कैसा एहतमाम अल्लाह की तरफ से है। खाने काबा मुमकिन है कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वहां कोई इंसान न पहुंच सके और तवाफ न हो सके। सैलाब आया था भी, सैलाब आ जाता है तो पानी भर जाता है, तवाफ नामुमकिन हो जाता है। तो मालिक को ये तो गवारा है कि उसके घर के तवाफ करने वाले न रहें तो न रहें, मगर उसे ये गवारा नहीं है कि कब्र हुसैन का तवाफ रोक सके। ज्यादा उसने आसमान से फरिश्ते भेज दिए हुसैन, और वो कैसे
बालों को बिखराए हुए, चेहरे पे खाक मले हुए कब्र हुसैन का तवाफ कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो हुसैन रोने वालों का मोहताज नहीं है, रोने वालों की खुशनसीबी है कि अल्लाह ने उन्हें हुसैन पे रोने वालों में शामिल कर दिया है। हमारी आपकी खुशनसीबी है। मैं उन अपने उन भाइयों से, अपनी उन बहनों से जो आज आए हैं, मुमकिन है कल शब ना आए हो या मुमकिन है कल से फिर ना आने का इरादा हो, मैं उनके लिए रिवायत पढ़ रहा हूं कि मेरे अजीजों, खाली किताब पढ़ के या घर में बैठ के तकरीर सीडी से सुन के या इंटरनेट से सुन के या टीवी से सुन के मुतमईन न हो जाना कि हमने वो कर लिया जो हमें करना चाहिए। जो कुछ आपने किया है उसके जरिए आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई है, अपना इल्म बढ़ा लिया है, लेकिन जो कुछ एक मुहिब हुसैन नहीं एक इंसान को करना है वो सब हम नहीं कर सके जब तक के फर्श अज़ा पे ना है। मैं आपकी रवायत, आपकी खिदमत में रवायत अर्ज कर रहा हूं कि फरिश्ते जब ये जमीन पे बैठे हुए मजलिस में बैठे हुए लोग गिरिया करते हैं तो फरिश्ते साथ में गिरिया करते हैं, और जब दुआ करते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। अब ये मजलिस खत्म हुई, फरिश्ते वापस बारगाह इलाही में गए, उधर से सवाल हुआ तुम कहां थे। रिवायत का फिक्रा है कि बावजूदे कि ये बात अल्लाह को पूछने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है कहां थे, लेकिन उसके बाद भी पूछता है। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, मालिक हम तुझसे क्या बताएं कि कहां थे, तू जानता है कि हम कहां थे, फिर भी तूने पूछा है तो हम बता रहे हैं। हम ऐसी मजलिस में थे, एक ऐसे इज्तिमा में थे, ऐसी जगह पे थे जहां मोमिन जमा थे और तेरी तस्बीह, तेरी तकदीस, तेरी याद, इस्तिग़फ़ार और इन तस्करों के साथ रो रहे थे, तो हम वहां थे। तो मालिक जवाब में कहता है, और हमने उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया, उनके इस्तिग़फ़ार पे आमीन कही। तो मालिक जवाब में उनसे कहता है कि फरिश्तों तुम जिनके पास से आए हो मैं उनकी मगफिरत का वादा करता हूं और मैं उनको जन्नत की बशारत देता हूं। रिवायत जिसके लिए मैंने रिवायत सुनाई, जिस जुमले के लिए, उसके बाद फरिश्ते कहते हैं कि मालिक हम जिस इज्तिमा से, जिस मजलिस से, जिस नशिस्त से आ रहे हैं उसमें जितने लोग बैठे थे उनकी जो मैंने सिफत बयान की है हमने, वो सब ये नहीं कर रहे थे, उनमें से बाज ऐसे थे जो सिर्फ बैठे थे, जिक्र में शामिल नहीं थे। मेरे अजीजो, मैंने जुमला, ये रवायत इसी जुमले के लिए सुनाई है। कभी कभी आदमी सोचता हम बहुत थके हैं, मजलिस में ही जाके सो जाएंगे क्या फायदा है, घर पे ही रुक जाए, बहुत तबीयत बोझल है, मजलिस में जाने से फायदा क्या है, सो जाएंगे। तो मैंने उन्हीं इसी तरह की सोच के लिए, जब हम थकन से, भूख से, ज्यादा काम से, या इस ख्याल से कि मजलिस में जाके सुनेंगे, वो घर पे इंटरनेट पे सुने लेते हैं, जब ऐसे ख्यालात आपको फर्श अदा पर आने से रोकने लगे तो उस वक्त इस रवायत को याद करने की कोशिश कीजिएगा। मालिक कहता है हमने उनको माफ किया, हमने उनके लिए जन्नत लिख दी। फरिश्ते कहते परवरदिगार उनमें कुछ ऐसे भी थे जो बैठे थे खाली, इस काम में शामिल नहीं थे, इस जिक्र में शामिल नहीं थे, सिर्फ वहां बैठे थे। मालिक ने कहा हमने उनको भी माफ किया, हमने उनको भी जन्नत दी, उन अहले जिक्र के तुफैल में जन्नत दी जिनके पास वो बैठे हुए थे। तो मेरे अजीजों, ये फजीलत फर्श अदा के बगैर मिलने वाली नहीं है। ये फर्श अदा, ये मजलिसे सिर्फ एक नॉलेज या इल्म देने का जरिया नहीं है कि हम सोचे कि एक घंटे में मौलाना की तकरीर सुन के जितना इल्म मिलता है, उससे ज्यादा इल्म तो हम उतनी देर में एक मजहबी किताब पढ़ के ले लें। मौलाना की तकरीर में बैठ जाएंगे तो एक घंटे बैठना पड़ेगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाला, चॉइस नहीं होगी हमारे पास कि अगर वो मुफीद बात नहीं, अच्छी हमारी पसंद की बात, मर्जी की बात नहीं कर रहे हैं तो हम चेंज नहीं कर सकते। हम इंटरनेट में बैठे होंगे तो चेंज करके इधर से उधर चले जाएंगे। नहीं अजीजो, मैं अज़ादारो, मैं आपकी खिदमत में बात कहना चाहूंगा कि तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से एक तालीम यह भी है कि उन्होंने मुसलसल कहा है हमारे जिक्र की मजलिसें मुनअक़िद करो, हमारे जिक्र के लिए एक साथ जमा। किसी अच्छे काम के कर लेने को अल्लाह ने हमेशा काफी नहीं करार दिया, अच्छे काम को एक साथ मिल के किया जाए, इस पर भी जोर डाला है।
एक साथ जमा होके मजलिस करने का जो असर है वो अकेले में बैठ के सुनने का हो सकता है ना अकेले बैठ के किताब पढ़ने का हो सकता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। हमारे और आपके पास, और सिर्फ हम आप नहीं, इस जमीन पे जो भी रहता और जीता है, और इस जमीन पे नहीं पूरे कायनात में, पूरी पूरे यूनिवर्स में जो भी है, जिसके पास जिंदगी है, जिंदगी है तो जिंदगी के साथ नेमतें हैं, हमारे और आपके पास भी और दूसरों के पास भी जिंदगी भी है और जिंदगी के साथ नेमतें भी हैं। लेकिन हम में और दूसरों में एक फर्क है, दूसरों के पास जिंदगी की सब नेमतें हैं मगर सबसे बड़ी नेमत उनके पास नहीं है। हमारे पास वो नेमतें तो हरी हैं जो सबके पास हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत भी हमारे पास है जो दूसरों के पास नहीं है। वो कौन सी बड़ी नेमत है आप जान गए हैं, उसे समझ गए, मगर मैं अपने नौजवानों के लिए, ताकि वाकयात के सहारे बात याद भी रह जाती, इसलिए याद दिला दूं कि नेमतें तो हम गिनना शुरू करें, दौलत है, मकान है, रोजी रोटी, बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब, इज्जत आबरू, गाड़ी लिबास, न जाने कितनी नेमतें आदमी गिन नहीं सकता, मगर जो सबसे बड़ी नेमत है, जो सबसे बड़ी नेमत है वो क्या है? छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में शख्स आया और उसने आके इमाम से कहा कि मैं गरीब हूं, तंदरुस्त हूं, परेशान हाल हूं, आप मेरी कुछ मदद फरमा दें। ये दरवाजा वो दरवाजा है कि जहां किसी हाजतमंद को मांगना नहीं पड़ता, मांगने से पहले उसे मिल जाया करता है। आमतौर पर इस दरवाजे पे किसी को मांगना नहीं पड़ता। इसने यहां मांगा और फिर भी नहीं मिल रहा। उसने कहा मैं गरीब हूं, तंगदस्त हूं, फकीर हूं, मिस्कीन हूं, मेरी मदद कर दी। इमाम ने कहा तुम गरीब नहीं हो, तुम मिस्कीन नहीं हो, तुम फकीर नहीं हो। उसने कहा मौलाना, मौलाना मैं सच कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं वाकई तंगदस्त हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मौला ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गरीब नहीं। अब मौला जितना कह रहे हैं कि तुम गरीब नहीं, वो अपने गुर्बत को साबित करता चला जा रहा, और मौला जो कह रहे तुम गरीब नहीं हो, वो समझ नहीं रहा है क्या मामला। गुफ्तगु जो हो रही है वहां, जहां पे शायद मदीने की बात हो, इमाम के घर के दरवाजे की बात हो, मुझे नहीं पता, कोई पहाड़ था सामने, पहाड़ी सामने थी। मौला ने कहा कि पहाड़ी तुम देख रहे हो? कहां देख रहा हूं मौला? कहा मैं ऐसा करता हूं कि जो पहाड़ी है मैं इसे अल्लाह की इज्न से सोने की बनाए देता हूं, और पूरी पहाड़ी तुम्हें सोने की बना के दे दूंगा, बस मेरी एक शर्त है, वो कबूल कर लो। वो खुश हो गया कि मौला इतना बड़ा कर्म करने वाले, तो शर्त क्या है बताइए। मौला ने कहा कि बस एक शर्त यह है कि जो तुम्हारे दिल में हम अहले बैत की मोहब्बत है वो निकाल लो, तो ये सोने की पहाड़ी मिल जाएगी। उसने कहा मौला ये नहीं हो सकता। तो इमाम ने कहा कि फिर आज से अपने को गरीब न कहना। एक सलावत मिल चुके भेजे मोहम्मद वाले। मौला ने कहा फिर आज से अपने को गरीब न कहना, जिसके पास इतनी बड़ी दौलत हो कि जिसको दे के सोने की पहाड़ी लेने पे तैयार ना हो, गरीब कैसे हो सकता है। तो मेरे अजीजों नेमतें तो सबके पास हैं, लेकिन सबके पास जो नेमतें हैं वो हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारे पास जो नेमत है वो दूसरों के पास नहीं है। वो नेमतें मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत है, वो नेमतें ईमान है, वो नेमतें दीन है। ये नेमत हमारे पास है, सारी नेमतें भी हैं और ये नेमत भी है। ये सारी नेमतें मिली कैसे? तो रोज आप सुनते हैं हदीस के सामने कि ये पूरी जमीन, ये नेमतें जो हम तक आई हैं ये आती कैसे? जिंदगी नेमत है, सेहत नेमत है, शक्ल सूरत नेमत है, रगों में दौड़ता हुआ खून नेमत है, जो कुछ है वो सबका सब नेमत है, आई कैसे? तो हदीस एक गुस्सा में आप सुनते हैं इन्नी मा खलक्तो समा मबनियतन वला अर्दन मदियतन वला शमसा मुनीरन वला कमरा मुदियन वला बहरीन यजरी वला फुल्के यसरी इल्ला फी महब्बते हाउलाए खमसतिल लदीना हुम तहतल किसा। ये जो पंचतने पांच चादर के नीचे सो रहे, अल्लाह कहता अगर ये ना होते तो हमने ना जमीन बनाई होती ना आसमान। तो
तो मेरे अजीजों जमीन और आसमान जब उनकी मोहब्बत में बने तो न जमीन और आसमान होते, न हम होते, न हमारे हाथों में जो नेमतें हैं ये नेमतें होती। तो सारी नेमतें जिससे जिनकी वजह से मिली है उनके एहसान का जिसमें एहसास पैदा होता है वो उनकी खुशी में खुश होता है, उनके रंग में रंजीदा हो जाता है। जो एहसान मंद है वो फर्शे आजा पे आके बैठते हैं, जो एहसान फरामोशी का शिकार हो जाते हैं वो भूल जाया करते हैं। पूरी दुनिया हुसैन की अदा मनाए ना मनाए, लेकिन जिसे ये इकरार है उसे तो फर्श अदा पे आके हमें हुसैन मनाना होगा। नेमतें उनके जरिए मिली और नेमतें बची किसके जरिए से, नेमतें बची किसके जरिए से हैं, नेमतें मिली भी उन्हीं के जरिए से। और जो सबसे बड़ी नेमत है, अगर हुसैन करबला में ना उठे होते तो जो सबसे बड़ी नेमत दीन है, इस्लाम है, ईमान है, ये ना होता। तो नेमतें मिली उनके जरिए और उसके बाद उनमें जो सबसे बड़ी नेमत है वो आज हम तक जो पहुंची है तो वो हुसैन के एहसान के नतीजे में पहुंची है। जब एहसान मंद है तो अगर जरा भी सयाफत होगी किसी में तो इस एहसान का एहसास करेगा तो आजादार होगा। एहसान फरामोशी अदादारी को छोड़ सकता है और अदादारी के खिलाफ जा सकता है। मैंने इब्तदाई गुफ्तगु आप हजरात की खिदमत में ये कहने के लिए की है कि हम अल्लाह का करम है फर्श अदा पे बैठे हैं, हमने एहसान हुसैन को याद रखा है, हमारे दिलों को अल्लाह ने ये गुंजाइश दी है और हमें तौफीक दी है कि हमें हमारे लबों का हुसैन 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 जो ये लबों पे है इस हुसैन हुसैन को जिंदगी में आना है जी। हुसैन हुसैन सिर्फ एक लफ्ज का नाम नहीं है, हुसैन हुसैन एक किरदार का नाम है, एक किरदार का नाम है हुसैन, एक किरदार का नाम है यजीद। हुसैन जिस किरदार का नाम है वो किस किरदार का नाम है, हुसैन नाम है ईमान का, हुसैन नाम है तकवे का, हुसैन नाम है ज़ोर का, हुसैन नाम है शजाअत का, हुसैन नाम है अल्लाह के हक के अदा करने का, हुसैन नाम है बंदगान खुदा के हुकूक की अदायगी का, हुसैन नाम है ईसार का, हुसैन नाम है अमानत का, हुसैन नाम है ईमानदारी का। मैं आपके लफ्जों के जरिए सिर्फ आपके जहनों को मुतवज्जे करना चाहता हूं, वरना मैं बयान नहीं कर सकता हूं इस मुख्तसर से अपने हुसैन क्या है उसके मुकाबले यजीद क्या है। अगर हुसैन ईमान का नाम है तो यजीद कुफ्र का नाम है, अगर हुसैन तकवे का नाम है तो यजीद फिस्क व फुजूर का नाम है, अगर हुसैन इबादत का नाम है तो यजीद अल्लाह की मासियत का नाम है, अगर हुसैन नमाज की अदायगी का नाम है तो यजीद नमाज के मजाक उड़ाने का नाम है, अगर हुसैन सजदा है तो यजीद सजदे में सर काटने वाला है, अगर हुसैन तिलावत कुरान है तो यजीद उस सर को तन से जुदा करने वाला है जो कुरान जिसके घर में नाजिल हुआ था। अब मैं जो जुमला कहना चाहता था फिर दोहराता हूं, मेरे अजीजों ये जो हुसैन हुसैन जबान पे है ये सिर्फ जबान में ना रहे, ये हुसैन हुसैन जिंदगी के हर लम्हे में आ जाए, ये सिर्फ जबान में ना रहे ये जिंदगी के हर लम्हे में आ जाए। हुसैन हुसैन के जिंदगी में के हर लम्हे में आ जाने का मतलब क्या है, यानी हमारी जिंदगी में कुरान अपनी जगह हासिल कर ले, हमारी जिंदगी में सज्दे ठिकाना अपना तलाश कर ले, हमारी जिंदगी में मुसल्ला बिछाने की जगह पैदा हो जाए, हमारी जेब में इतनी कुव्वत पैदा हो जाए कि राह खुदा में थोड़ा सा हिस्सा हम खर्च कर सके, हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि हम अपने वक्त का थोड़ा सा हिस्सा दीन के लिए दे सके, तब हम हुसैन हुसैन सच्चे दिल से कहने वाले होंगे। सिर्फ जबान से हुसैन हुसैन कहने वाले न रह जाएं, जिंदगी अव्वल से आखिर तक हुसैन हुसैन पुकारे। हमारा किरदार देख के दुनिया के है ये हुसैन वाले, हमारी सूरत हाल दूर से महसूस करा दे कि हुसैन वाले हैं, वो हुसैन, वो हुसैन के जिसने सारी जिंदगी का कुल सरमाया अल्लाह की राह में इस तरह से लगा दिया, इस तरह से लगा दिया कि सारी दुनिया ये समझी कि हुसैन के पास कुछ नहीं रहा, मगर दुनिया गलत समझ रही थी। छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जुमला मुझे आपको सुनाना है,
मैं ये जुमला क्यों सुनाना चाहता हूं, हुसैन जिस राह पे जा रहे थे उस राह में सख्तियां थी कि नहीं, दुश्वारियां थी कि नहीं, मसायब मुश्किलात थे कि नहीं? सवाल ही गलत है मेरा, मसायब ही मसायब थे, सख्तियां ही सख्तियां थी, दुश्वारियां ही दुश्वारियां थी। तो हुसैन की सीरत का एक पैगाम यह है कि दुश्वारियों और सख्तियों का मुकाबला किया जाता है, उनसे मुंह नहीं मोड़ा जाता। जो मेरी गुजारिश का मुस्तकिल मौजू था जो आज खत्म हो रहा है कि जिंदगी के मसायब और अहले बैत अलैहिस्सलाम के तालीमात, इस सिलसिले में जो बुनियादी बातें मैं आपकी खिदमत में कहना चाहता था बहुत सी नहीं अर्ज कर सका, जो कुछ कह चुका उसके बाद आज जो थोड़ी सी गुंजाइश है, कम से कम एक बुनियादी बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं, खास करके अपनी जवान नस्ल से, कि एक सच्चाई को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये दुनिया मुसीबत से खाली कभी नहीं हो सकती, दुश्वारियों से, मुश्किलात से, मुसीबतों से खाली कभी नहीं हो सकती। दुनिया ही में इसकी गुंजाइश नहीं है, और इस दुनिया में खास करके मोमिन के लिए, आम इंसान के लिए भी दुनिया में मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन मोमिन के लिए उससे ज्यादा ये दुनिया की जिंदगी, अगर हम ये चाहें कि खालिस राहत की जिंदगी हो, आराम ही आराम हो, इसमें किसी तरह की तकलीफ ना पैदा हो, किसी तरह की जहमत पैदा ना हो, ये अच्छी तरह से सबक सीख लीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता, इस दुनिया में खालिस राहत है ही नहीं है। एक रवायत मैंने कहीं पढ़ी थी, मजलिस में भी इससे पहले पढ़ चुका हूं, पिछले साल साले गुज़श्ता जहां तक मुझे याद आता है, अरबईन के अशरे में, इस्लामी सेंटर में, कि हदीस कुदसी है अल्लाह की तरफ से, ये ऐलान है कि हमने कुछ चीजों को रखा कहीं है और आदमी उन्हें ढूंढता कहीं और है। आपकी चाबी गुम हो जाती है, आप ढूंढते हैं, परेशान होते, नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि ढूंढ वहां रहे जहां रखी है ही नहीं, जहां रखी है वहां ढूंढे तो मिल जाएगी। तो अल्लाह कहता है कि हमने कुछ चीजें रखी कहीं और है, और इंसान ढूंढता कहीं और है, इसलिए उसे वो चीजें नहीं मिलती। छह चीजों का तस्करा उस रवायत में, शायद मुझे इसमें तो सारी छह की छह बातें याद भी ना हो। मिसाल के तौर पर उसमें एक जुमला यह है, उन छह चीजों में से एक तस्करा यह है कि इंसान इज्जत का ख्वाहां है, तौहीन नहीं चाहता, अपनी जिल्लत नहीं चाहता, रुसवाई नहीं चाहता, इज्जत की तलाश करता है। हमने इज्जत आदमी के लिए रखी है, मगर हमने रखी कहीं और है, वो ढूंढता कहीं और है। उसके बाद रिवायत बताती है, अल्लाह कहता है कि हमने रखी कहां है और ढूंढता कहां। का आदमी जब चाहता है इज्जत हो तो गुरूर के रास्ते से इज्जत हासिल करना चाहता है, गुरूर के जरिए इज्जत हासिल करना चाहता है, हालांकि हमने इंसान की इज्जत गुरूर में रखी ही नहीं है, हमने तो इंसान की इज्जत इनकिसारी में रखी है। वो ढूंढता है गुरूर में और हमने रखी इनके सारी में, लिहाजा उसे इज्जत ही मिलती है। और आप माशरे में जाएंगे, इतने मगरूर लोग होते हैं, खुद अपनी इज्जत दुनिया से कराने की कोशिश करें, कोई एक आदमी उनकी इज्जत नहीं करता, लेकिन जिसके पास गुरूर ना हो और वो खुद मुनकसिर मिजाज हो, खुद उसके अंदर नरमी पाई जाती हो, खुद अपने को कुछ ना समझता हो, तो जब खुद को कुछ नहीं समझता तभी से लोग उसको सब कुछ समझने लगते हैं। रवायत कहती भी है, अल्लाह ही का ऐलान है, हदीस में ही है, पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में, कहे बंदे खुदा अपने अंदर नरमी और झुकाव और इंकिसारी और तवाज़ो पैदा करो। एक जरा से अच्छी गाड़ी ले लेते हम जरा टेढ़े होके चलने लगते, एक अच्छा सा सूट ले लेते पहन लेते तो जरा नुमाया होके मजने में अपने को दिखाने को, जरा से एक बड़ा मकान थोड़ा से ले लेते फौरन आदमी गुरूर करने लगता है। पैगंबर खुदा के लफ्जों में कि अल्लाह कहता है कह बंदे मोमिन तू जितना झुकता जाएगा हम तुझे उतना ही उठाते जाएंगे। तो अल्लाह कहता है कि हमने इज्जत रखी है इंकसारी में और आदमी ढूंढता गुरूर में, लिहाजा कभी नहीं मिलती उसे। उसके बाद दूसरा जुमला इसी से मिलता जुलता है, आदमी एक तो इज्जत चाहता है तो उसने मंजिलत रफत स्टेटस जिसे कह लें हाई स्टेटस वाले हैं, यानी इनका उठना बैठना कहां है,
मिलियनर्स में, मिनिस्टर्स में, प्राइम मिनिस्टर के यहां, इससे नीचे वालों से मिलते ही नहीं। तो आदमी जब अपने लिए स्टेटस ढूंढता है तो रिवायत के जुमले ये हैं कि हुक्काम के दरवाजों में ढूंढता का आदमी अपनी रफ्तो मंजिलत को हाकिमों के दरवाजे पर ढूंढता, हमने वहां रखी ही नहीं है। हमने तो रातों में जब हमारे सामने आके सज्दा रेल होता है, सारी इज्जत तो हमने वहां रखी है, बादशाहों के दरवाजे पे नहीं रखी। इसी तरह से तो चीज होती कहीं है और आदमी ढूंढता कहीं है। बातें जो याद आ गई मैं सुनाए दे रहा हूं, काम की है, कम से कम अगर इन्हें मजबूती से बांध के रखेंगे तो हमारे काम आएंगे जिंदगी में। का आदमी दुआ करता है और चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, ये जाहिर हरेक चाहता है, हमें से हरेक चाहता है, और हमारी बहनें इसमें जरा आपसे मर्दों से आगे होती, ज्यादा दुआएं करती, ज्यादा जल्दी कबूलियत चाहती। एक जुमला बगैर किसी तबसरे के आपसे कह दूं कि अल्लाह बहुत से वो काम कर देता है जो हम उससे चाहते हैं, दुआ के जरिए, नजर के जरिए, मन्नत के जरिए, मुख्तलिफ जरियों से जो हम अल्लाह से चाहता है चाहते हैं बहुत से वो काम अल्लाह कर देता है, लेकिन वो अपने टाइम टेबल से काम करता है, हमारे टाइम टेबल से नहीं करता। अगर इस एक चीज को याद रखें कि काम होगा मगर उसके टाइम टेबल से होगा, हमारे टाइम टेबल से नहीं होगा, तो न जाने जिंदगी में कहां कहां उलझने और परेशानियां खत्म हो जाए। तो आदमी दुआ करता है तो यह भी चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि कबूलियत ये दुआ को तीनो काल में ढूंढता है, यानी 1000 बार ये पढ़ा जाए और 500 बार ये पढ़ा जाए और 700 बार ये पढ़ा जाए, कब इंसान अपनी दुआ की कबूलियत को लफ्जों के दोहराने में ढूंढता है, जबकि हमने दुआ की कबूलियत को लफ्जों के दोहराने में नहीं रखा है, रिश्ते हलाल में रखा है। रिश्ते हलाल हासिल करो, ये तुम्हारी दुआ के कबूल होने का जरिया बन जाएगा। तो बहरा पूरी रवायत सुनाओ को बहुत बन जाएगा। मैंने अर्ज किया था कि एक सच्चाई को अच्छी तरह महसूस कर ले जिंदगी में, मसायल भी पैदा होंगे, उनके हल भी अल्लाह ने रखे हैं, लेकिन एक सच्चाई को मेरा हर भाई और मेरी हर बहन अच्छी तरह से महसूस कर ले कि इस जिंदगी में ये तमन्ना न करें कि यहां खालिस राहत मिलने वाली है। उसी रवायत का फितरा है कि हम इंसान राहत की तलाश करता है कि खालिस राहत मिल जाए, अब उसमें कोई उलझन ना हो, कोई बेचैनी ना हो, घर के मामला भी ठीक हो, बिजनेस भी ठीक हो, कारोबार भी ठीक हो, ताल्लुकात भी ठीक हो, बच्चा भी बीमार ना हो, मकान का भी मसला ना हो, माँ बाप भी राजी हो, यानी पूरे जिंदगी के किसी मामले में कोई परेशानी हो ही ना। आदमी यह चाहता है ऐसी खालिस राहत मिल जाए। अल्लाह कहता है वो खालिस राहत इस दुनिया में ढूंढता है, हमने दुनिया में खालिस राहत रखी ही नहीं है, खालिस राहत हमने आखिरत में जन्नत में रखी है। तो अगर खालिस राहत चाहिए तो जन्नत की तैयारी करना होगी। एक सलावत भेजें और जरा से आगे आए ताकि जो मोमिनीन है ऐसे बाद में आने वालों की कोई पाबंदी नहीं है, वो पीछे ही जाके बैठे हैं, आगे जगह वहां बैठ सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप और नजदीक आ जाए, एक सलावत भेज के थोड़ा आगे जहमत कर लीजिए, नजदीक आ जाएगी क्या। बस एक बार याद कह के और पिशब आसूर कहां कदा करूंगा इंशाल्लाह। तो ये याद रखिए कि जिंदगी में मुश्किलें ना हो ऐसा होने वाला नहीं। मुझे आज ही रवायत पढ़ने को मिली, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन 5 मुश्किलों में से किसी एक में तो घिरे ही रहेगा, एक ना एक से 2-4 रहे गई। फरमाया या तो, अब ये जरा होशियार होने वाली बात है, क्या या तो मोमिनुन या सदोहू, कुछ परेशानी नहीं तो मोमिन ही मुसीबत बन गया उसके लिए हसद करके, और मुनाफिकुन युबगिदुहू, या फिर कोई ना कोई मुनाफिक होगा जो उससे कीना रखेगा, उसकी परेशानियां झेलना उसे, और काफिरुन युकातिलुहू, या फिर कोई खुला हुआ दुश्मन है जो उससे जंग लड़ रहा है उसकी परेशानी उसे उठाना, तो या कोई ना कोई परेशानी उसे है, या मोमिन है हसद कर रहा उससे परेशानियां पैदा हो रही है, या मुनाफिक है जलन है उसे कीना दुश्मनी उसकी परेशानियां पैदा हो रही है, काफिर है दुश्मनी है और वो जंग लड़ रहा है उसकी परेशानियां है। ये 3 तो हो गए बाहर के मामले,
इनको तो चलिए आप कह सकते हैं कि हम आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। चौथा सुन लीजिए, वह नफ्सुन युतालिब हो, या खुद हजरत मोमिन का अपना नफ्स, अपने अंदर का इंसान जो उसे हमेशा उल्टे सीधे काम कराने की कोशिश करता रहेगा, इस मुश्किल से कैसे निकलोगे बाहर? एक बीमारी से बटे हटे दूसरी तरफ ले जा रहा, उधर से निकाला उधर जा रहा, ये नफ्स तो जब तक है तन करता रहेगा बुराइयों की तरफ लेके जाता रहेगा, तो मुश्किल इनसे दो चार होता रहेगा, मोमिन इनसे इन मुश्किलों से दो चार होता रहेगा। कहा और शैतान, अगर इन सबसे भी बचा लिया, मोमिन भी कोई हसद नहीं कर रहा, कुछ है ही नहीं कि हसद काहे पे करे, मुनाफिक भी कोई इत्तेफाक से नहीं है जो हमें जानता हो, काफिर से भी झगड़ा नहीं चल रहा है, नस्ल भी काबू कर लिया, तो वो तो वक्त ही छोड़ने वाला है ना। शैतान युगवी है, सबसे भी बचा लेगा तो शैतान तो हर वक्त बहकाने के लिए लगा ही रहेगा। तो पैगंबर ने फरमाया कि ये पांच मुसीबतें हैं जिनके जिनसे बाहर इंसान निकल ही नहीं सकता, इनके दरमियान रहेगा। तो मैंने तस्करे आपको सुनाए ये कहने के लिए कि जब ये बात तय है कि जिंदगी मुश्किलों से खाली नहीं हो सकती, लिहाजा ये ख्वाब देखना छोड़ दें जिस ख्वाब के नतीजे में आदमी पस्त और कमजोर हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है। आज की शब का पैगाम, हुसैन का पैगाम यह है कि छोटी छोटी मुश्किलों से घबराना छोड़ो, हुसैन को देखो, कायनात की इतनी बड़ी मुसीबतें सब एक साथ हुसैन पे पड़ी थी, मगर हुसैन डट के उन मुसीबतों का मुकाबला कर रहा था। कौन जीता? मुसीबतें जीती कि हुसैन जीते? मुसीबतें तो आएंगी, उनका मुकाबला करना है और उन पर अपनी कोशिशों के और ताकतों के लगा देने के बाद जो भी नतीजा आए उस पर राजी होना। हमारा बच्चा बीमार हुआ, हमने पूरी ताकत लगा के उसका इलाज कर डाला, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं बच सका, तो अल्लाह से शाकी नहीं होना, राजी होना। हमने अपनी पूरी ताकत लगा के जिंदगी भर की कमाई लगा के कारोबार शुरू किया, पूरी मेहनत का डाली, कारोबार नहीं चला, तो अल्लाह से शाकी नहीं होना है, राजी होना है। छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला सुना, कहा अगर पूरी दुनिया की सब नेमतें अल्लाह मोमिन को दे दे तो भी उसे उस पर राजी होना है। हो गई राजी। और अगर उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले तब भी उसे उस पर राजी रहना चाहिए, इसलिए कि नेमतें दे तो वो करीम है, यही हक में इसके अच्छा है जो कर रहा है। टुकड़े टुकड़े कर दे तो वो करीम है, इसके हक में यही अच्छा है जो इसके साथ कर रहा है। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए, और मैं बात को खत्म करूं। हम इस जिंदगी में कभी कभी अपनी छोटी छोटी जरूरतों को जिंदगी की पूरी करने के लिए, छोटी छोटी मुश्किलों को दूर करने के लिए वो फैसले कर लेते हैं जिन फैसलों के बारे में हमें पता होता है कि अल्लाह इससे खुश नहीं होगा। छोटी छोटी जिंदगी की जरूरतों को, मसलन हमने कैसी जाब करने का फैसला कर लिया जिसके बारे में हमें पता है कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, अल्लाह इससे राजी नहीं है, शराब बेचने की नौकरी में खुदा नखास्ता चले गए। अगर हमने ऐसा कोई फैसला कर लिया तो हमने लोगों को राजी कर लिया, अल्लाह को राजी करने की फिक्र छोड़ दी। सैयदुल शुहदा का जुमला सुनिए, जिनके तुफैल में आज तक जिंदा भी हैं, जिन्होंने हमको यह बता दी है, जिनकी वजह से आज तक हम इस कौम की शक्ल में इन नेमतों के साथ बाकी हैं। सैयदुल शुहदा ने फरमाया कि जब कोई इंसान अल्लाह को नाराज करके बंदों को राजी करता है तो उसका हश्र यह होता है कि अल्लाह तो नाराज होता ही है, बंदों को भी राजी नहीं कर पा, और जब कोई इंसान बंदों की नाराजगी की फिक्र किए बगैर अल्लाह को राजी कर लेता है तो उसका नतीजा यह होता है कि अल्लाह तो राजी होता ही है, अल्लाह बंदों को भी राजी कर देता है। मैं बस आपकी खिदमत में अपने तस्करों को समेट के बात को खत्म करूं
कि हुसैन वालों तुम्हें इन बातों पर मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात पर एतमाद करना चाहिए, मुसीबत है तो डट के मुकाबला करना है, उसके बाद जहां जिंदगी पहुंचे जिस नतीजे तक मामला जाए उस पर अपने आप को राजी रखना है। आपकी कोई कोशिश रायगा जाने वाली नहीं है। दुनिया में अगर आपको नाकामी दिखाई भी दे रही है तो आखिरत की नाकामी बहरहाल मिलने वाली नहीं है। सैयदुश्शहदा ने अल्लाह की बारगाह में जो कुर्बानियां दी थी उसमें सारी कुर्बानियों के साथ जहां माल की कुर्बानी थी, जहां जान की कुर्बानी थी, जहां इज्जत और व्यापार की कुर्बानी थी, वहीं औलाद की भी कुर्बानी थी। कुर्बानियां और अहमद भी थी, औलियाए खुदा ने भी दी है, अंबिया ने भी दी है, लेकिन हुसैन की कुर्बानियों की कुछ खसूसियत थी। छठे इमाम ने जुमला फरमाया है, फरमाया है कि अल्लाह ने हुसैन की कुर्बानियों के नतीजे में हुसैन को चार ऐसी खसूसियतें दी हैं जो न किसी नबी को मिली, न किसी रसूल को, न किसी और इमाम को। कहा हुसैन ने अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपनी अपना माल, अपनी औलाद सब अल्लाह की राह में कुर्बान किया, तो अल्लाह ने उन्हें शरफ क्या दिया। करबला में हुसैन के जितने बच्चे हैं सब शहीद कर दिए गए, सिर्फ एक बेटा बचा। इमाम कहते हैं कि अल्लाह ने इमामत हुसैन की नसीब में रख दी। हुसैन बेगौर कफन पड़े थे, खेमे तक छिड़ गए थे, लाश को कफन तक नहीं मिला था। इमाम कहते हैं हुसैन को अल्लाह ने खसूसियत यह दी कि हुसैन की कब्र पर जो कुब्बा बना है इस कुब्बे के नीचे खड़े होकर जब भी कोई दुआ की जाएगी जरूर कबूल होगी। हुसैन ने अपनी जान दी थी प्यास और भूख के आलम में, वो शिद्दत भूख और प्यास और जख्मों की थी कि सजदे के लिए जमीन तक पेशानी पहुंचाना मुमकिन नहीं। हुसैन ने कारनामा अंजाम दिया और जब जबान पर जिक्र खुदा चल रहा था तभी सूखे गले पर खंजर चल गया। हुसैन के गले से खून बह के जमीन करबला में जज्ब हुआ था। हुसैन पहले शहीद नहीं है, हुसैन आखिरी शहीद नहीं है, मगर इमाम कहते हैं कि हुसैन की कुर्बानी के बाद अल्लाह ने यह शरफ दिया है, खसूसियत हुसैन को दी है कि किसी भी नबी या रसूल या इमाम की कब्र की मिट्टी को अल्लाह ने बीमारी के लिए शिफा नहीं बनाया है, मगर तुर्बत हुसैन को खाके शिफा बना दे। और उसके बाद सुनो अजादारों, जो तुम हुसैन की याद मनाने के लिए यहां आए हो, जब हुसैन की जियारत के लिए कोई निकले तो जितनी देर जियारत का सफर करेंगे, हमारी जिंदगी तो जितनी है उतनी है, किसी भी काम में खर्च की जाए तो उतनी जिंदगी कम हो जाएगी। अगर अच्छे काम में सर्व की गई है तो उसकी जजा आखिरत में मिलेगी, लेकिन जिंदगी का उतना हिस्सा तो बहरहाल घट रहा है। अगर एक घंटे यहां मजलिस में बैठ के आप मजलिस सुन रहे हैं तो एक घंटा जिंदगी का कम तो हुआ है, अब इसके बदले में आखिरत में जो जिंदगी मिलने वाली है या दुनिया में जो बरकत मिलने वाली है वो अलग बात है। लेकिन हम अच्छे से अच्छा काम कर डालें, जितनी देर वो काम अंजाम करेंगे उतनी देर जितना वक्त लगेगा वो हमारी जिंदगी से घट जाता है। मगर अजीब वो गरीब रिवायत का जुमला है, इमाम ने फरमाया अल्लाह का हुसैन पर एक खसूसी करम यह है कि हुसैन की जियारत के लिए जब कोई जायर निकलता है तो सफर जियारत में जितनी देर जितनी जिंदगी का हिस्सा उसका खर्च होता है अल्लाह उसकी जिंदगी से कम नहीं करता है, उतना हिस्सा अलग से दे लेता है। ये हुसैन का वो खसूसी शरफ है कि जो किसी और को नहीं मिला, मगर ये न मिलता हुसैन को तो मिलता भी किस और को। कौन हुसैन? जो अपने कदमों से चल के करबला तक आया था। नौ मुहर्रम आज गुजर गई, बस अजीजों इतनी देर और मेरे उससे मुमकिन है मैं तस्करे मसाइल करूंगा सिर्फ। नौ मुहर्रम आज गुजर गई, नौ मुहर्रम को सूरज जब ढल रहा था गुरूब आफ्ताब में बहुत ज्यादा फासला नहीं रह गया था, तो मकातिल की रवायात कहती है कि जहरा का लाल जब पूरा दिन तेज धूप और गर्मी में गुजरे और इंसान चार दिन से प्यासा हो, तीन दिन से प्यासा हो, सात मुहर्रम, आठ मुहर्रम, नौ मुहर्रम, तीन दिन के प्यासे हुसैन, तीन दिन के भूखे हुसैन, दिन भर की धूप और लू और गर्मी का मुकाबला करने के बाद जब सूरज जरा ढलने लगा तो
خیمے کے دروازے پر تھک کے بیٹھ گئے تھے, ہاتھ میں تلوار تھی, تھک کے بیٹھے اور تلوار زمین میں تھوڑی سی پیوس کر کے اس کا سہارا لے لیا, سہارا لے لیا تو ہلکی سی آنکھ لگ گئی. جس وقت حسین پہ ہلکی سے غنودگی تاری ہوئی تھی, اسی وقت ایک مرتبہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی, گھوڑوں کے ہلنے کی آواز آنے لگی, تیر و تبر اور نیزہ و شمشیر کے کھنکھنانے کی آواز آنے لگی. خیمے کے اندر زینب کبریٰ بیٹھی تھی, کانوں میں آواز آئی, گھبرا کے بھائی کے پیچھے پہنچی, شانے پہ ہاتھ رکھا, میرے بھیا ارے تم نے کچھ سنا؟ لگتا ہے لشکر یزید نے حملہ کر دیا. تھکے ہوئے حسین نے آنکھیں کھولی, کہا عباس کو بلاؤ. ابو الفضیل عباس تشریف لائے, کہا بھیا دیکھو کیا بات ہے؟ کہا آقا دشمن آگے بڑھ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے, ان سے جا کے بس اتنا کہہ دو کہ اگر انہوں نے فیصلہ جنگ کرنے کا کر ہی لیا ہے تو بس اتنا اور کریں کہ ہم ایک رات ہمیں مہلت اور دے دیں تاکہ ہم ایک رات اپنے مالک کی عبادت میں بسر کر سکیں, نماز پڑھ سکیں, ذکر و دعا کر سکیں. حسین کے عزاداروں سنا تم نے, حسین کا شوق کیا ہے جس نے کبھی کسی کے آگے دست سوال نہیں پھیلایا؟ وہ حسین جس نے کبھی سے کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں مانگا اللہ کے علاوہ, وہ حسین خون کے پیاسے ظالموں سے زندگی کی ایک رات مانگ رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں, تاکہ ذکر خدا کر سکیں, تاکہ نماز پڑھ سکیں. عزادارو حسین کیو, تمہارے مولا کی قسم اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لو, جس عبادت اور نماز کے لیے حسین نے مہلت مانگی تھی اس عبادت اور اس نماز کے لیے ہماری زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی, نمازیں نہیں چھوٹیں گی, نمازیں نہیں قضا ہوں گی, قرآن کے تلاوت کی آواز ہمارے گھروں سے اٹھتی رہے گی, تسبیح خدا ہمارے زبان پہ چلتی رہے گی. اجرکم اللہ. رات آ گئی, حسین نے فیصلہ کر لیا ہے کل جنگ ہونے والی. ابھی آپ نے انگریزی تقریر میں جملہ سنا, سید سجاد راوی ہیں کہ میں بستر بیماری پہ تھا, میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے چل سکوں. پہلو میں میرے بابا کا خیمہ تھا. سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا نے کچھ شعر پڑھے, وہ شعر سید سجاد نے دہرائے ہیں, جس میں زندگی سے مایوسی کا اظہار تھا کہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے, زندگی کے خاتمہ ہے. سید سجاد کہتے ہیں بابا کے اشعار سن کے میرا جی چاہا کہ میں زور زور سے چیخ چیخ کے روؤں, لیکن میں نے اپنے رونے کو پوری طرح سے قابو میں کیا, گھٹ گھوٹ دیا اپنے رونے کو کہ کہیں میں رویا تو میرے رونے کی آواز بیویوں اور سیدانیوں تک نہ پہنچ جائے اور چاروں طرف ایک بے چینی نہ پھیل جائے. سید سجاد کہتے ہیں میں نے تو اپنے رونے کو گریے کو روک دیا مگر میری پھوپھی زینب کبریٰ تک خبر پہنچ گئی. ایک مرتبہ زینب کبریٰ دوڑی ہوئی آئی, میرے بھیا ارے تم کیا کہہ رہے ہو؟ آج لگ رہا ہے نانا رسول اللہ کا سایہ سر چڑ گیا, ایسا محسوس ہو رہا ہے بابا مارے گئے, ایسا لگ رہا ہے کہ بھیا آج شہید ہوئے, ایسا لگتا ہے ابا کا جنازہ آج اٹھا. اللہ نے رو جی کھول کے رو, اس لیے کہ وہ یہ رات ہے کہ جس میں میدان کربلا سے ایک بی بی کے گریے کی صدا آ رہی ہے. حسین نے سارے انصار اور اصحاب اور گھر والوں کو خیمے میں جمع کیا, تقریر کی, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے, تم کو میں اجازت دیتا ہوں, بیعت اٹھائے لیتا ہوں, چلے جاؤ. سناٹا چھایا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم کو
अकेले जाते अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे घर वालों में से एक एक फर्द का हाथ पकड़ो, उसको साथ लेके चले जाओ, ताकि तुम्हारा जमीर तुमको न टोके कि तुम तनहा नहीं आए, मेरे घर वालों को लेके आए हो, फिर सुकूत। एक मरतबा हुसैन ने कहा शायद तुमको रोशनी में मेरे सामने सुट के जाते हुए आया, इतना करीब है बोला, ये बातें दिखावे भी नहीं है। अब उन साथियों में जिनमें से एक ना गया, जैसे कहा चनाब बुझा देता हूं चले जाओ, आवाजें आना शुरू हो गई, बोला आप कह क्या रहे, आपको छोड़ के जाएंगे तो जीके क्या करेंगे, आपको छोड़ के जाएंगे तो आपके बाबा के सामने जाएंगे कैसे, आपकी वालदे वालिदा को मुंह कैसे दिखाएंगे, मौला ये क्या फरमा रहे, एक बार नहीं 70 मरतबा जिस काटा जाए, टुकड़े टुकड़े किया जाए, जलाया जाए, बिखरा दिया जाए, उसके बाद भी हम आपके साथ छोड़ने वाले नहीं। हुसैन ने दुआ दे दी और ऐलान कर दिया, जैसे साथी मुझे मिले, जैसे घर वाले मुझे मिले, ऐसे न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया को मिले। हुसैन मुतमईन है, कल जंग होना है, अब बाखबर करते हालात से, कल जंग होगी, शहादत का दिन है, सब शहीद होंगे, शहीदों के नाम सुनाना शुरू किए, शहीदों के नाम हुसैन सुनाते सुनाते जब अहले बैत तक पहुंचे, अब्बास अबुल फजल अब्बास का नाम आया, उनके भाइयों का नाम आया, मुस्लिम के फर्जंदों का नाम आया, आसिम बिन हसन का नाम आया, एक के बाद एक नाम आ रहा है, अली अकबर का नाम आया, और मोहम्मद का नाम आया, एक के बाद एक नाम आ रहा है, उसी में वही शहजादा है, कम से शहजादा खड़ा जिसका नाम नहीं आया, कासिम। हुसैन चुप हो गए, आगे बढ़े, चचा आपने सबका नाम ले लिया, मेरा नाम नहीं आया, क्या फेरिस्त सोना में मेरा नाम नहीं है? हुसैन ने सवाल किया, मौत है कैसी, कहा चचा इससे मजेदार कोई चीज नहीं, शहजादा ने थी। हुसैन ने कहा बेटा तुम्हारा नाम तो है ही, इस फहरिस्त शोहदा में तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का नाम है। चचा ये क्या कहा आपने, अरे मेरा भैया इतना छोटा है, इतना कमसीन है, कहां जाएगा मक्कल में, कहा बेटा क्या खैमे में जालिम आके मारेगा, नहीं बेटा खैमे में नहीं मक्तल में मारा जाएगा, मैं अपने हाथों पे लेके जाऊंगा। बस अजीजों सबके तस्करे हो गए, करबला के आखिरी शहीद को थोड़ी देर और सुन लो, वह ऐलान कर दिया हुसैन ने, और हुसैन ये ऐलान तो आप कर रहे थे, ये तैयारी तो मदीने से हो गई थी, मदीने से जब काफिला निकला था, बीमार बेटी को छोड़ दिया था, काफिला चला था तो आवाज दी गई थी रुको, हुसैन की बीमार बेटी एक बार फिर से मिलना चाहती है, ऊंट बिठा दिए गए, सवारियां उतरी, सबसे खुदा हाफिज कहती हुई बड़ी थी फातिमा, फातिमा सुगरा आगे बढ़ी थी और आगे रबाब तक पहुंच गई थी, रबाब की गोद में तक दिनों के असगर थे, कब अम्मा थोड़ी देर के लिए मेरा भैया मुझे ले लिया, असगर को मुझे ले लीजिए, गोद में ले लिया, कलेजे से लगाया, प्यार किया, थोड़ी देर गुजर गई, माँ ने कहा बेटा काफिला चलने में देर हो रही है, काफिला चलने में देर हो रही है, असगर को मेरे हवाले कर दो। शहजादी ने कहा कि अम्मा मैं असगर को भैया को आपके हवाले कर दूंगी, मगर तब जब अपनी मर्जी से मेरा भैया आपकी गोद में आ जाए। रबाब ने हाथ फैलाया, आ जा मेरे लाल, चल दिनों के असगर की तरफ आप चले, असगर जाने पे तैयार नहीं। जैनब ने कहा लाओ मैं देखूं, सकीना आगे बढ़ी, आ भैया मेरी गोद में आ जाओ, असगर नहीं आते, देर हो रही, हुसैन पहुंच गए, कहा मेरे लाल आ जा मेरी गोद में। न जाने असगर ने बहन के कलेजे से लग के दिल की धड़कनों में कौन सा दर्द महसूस किया था, असगर बाबा की गोद में जाने में तैयार नहीं, हुसैन झुके, कोई एक लफ्ज असगर के कानों में कहा, हुमा के गोद में आ गए, आप समझ गए कौन सा लफ्ज है, अरे असले आशूर के हंगाम है, नजदीक है वो वक्त के हुसैन शहीद हो, तन्हा रह गए हैं मैदान करबला में, जाके आबादी हल बिन नासिरीन सोना, हल बिन मुगीसिन योगी सोना, खैम से कोहराम बरपा हुआ। हुसैन पहुंचे क्या हुआ, कहा भैया जब से तुमने सजा दी है बेहोश असगर ने झूले से खुद को गिरा दिया, असगर मदीने का वादा याद दिला रहे हैं। हुसैन ने कहा लाओ मेरे बच्चे को मेरी आगोश में दे दो, शायद इस प्यासे बच्चे की कमसिली में रहम खा के
ظالم پانی دے دے لیکن نکل رہے تھے حسین ابا کا دامن ڈال دیا ہے درے خیمہ تک جب حسین پہنچے تو درے خیمہ پہ رباب سر جھکائے کھڑی تھی ایک لمحے کے لیے حسین رک گئے ماں نے تو حسین بچے کا چہرہ دیکھا اس کے بعد نگاہیں اٹھا کے حسین کو دیکھا اور اس کے بعد نگاہیں جھکا لی زبان سے کچھ نہ کیا مگر رباب کی نگاہیں کہہ رہی تھی آقا صبح سے جو میدان میں گیا اس کی لاش واپس آئی ہے میرے اس کم سن بچے کی خیر ہو بس تم لیے دو تین جملے حسین پہنچے پانی مانگا ادھر سے پانی نہیں ملا تھا چاروں طرف سے کوہرام برپا تھا ایک مرتبہ ہرملا نے تیر کھینچا اور ادھر سے تیر چلا ادھر سے اپنے بدن کی پوری طاقت لگا کے اصغر نے بابا کی حفاظت کا انتظام کیا ہوبر کے گلا آگے کر دیا مگر کہاں اللہ سے گلا کہاں تیر پھلوں کا تیر گلے کو توڑ کے بازو میں پیوست ہو گیا حسین عجیب امتحان دے رہے ہیں ارے اکبر کے کلیجے سے پرچی نکالی تو دونوں ہاتھ خالی تھے مگر یہاں تو ہاتھوں سے بچے کو سنبھالنا بھی ہے تیر بھی کھینچنا ہے تیر کھینچا چلو میں خون لیا منہ پہ بلا کربلا کے میدان سے خیموں کا رخ کیا ایک مرتبہ رباب کا چہرہ سامنے آیا رک گئے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر قدم آگے بڑھے رزق میں قضائے ہی میں تسلیم الامرے بوجھل قدموں سے خیمے تک پہنچے مگر اب اندر داخل ہونے کی طاقت نہیں آواز دی رباب آگے اپنے بچے کو لے جاؤ تندی سے بچی آ گئی دوڑتی ہوئی ماں سے پہلے ارے بابا کیا بھیا پانی پی کے آ گیا حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تھا ماں آ چکی تھی چہرے پہ نگاہ پڑی ارے چھڑا ہوا گلا خون میں ڈوبا ہوا کرتا میں ایک جملہ زبان سے نکلا اے میرے لال کیا تیرے جیسے ننھے ننھے بچے اس بے رحمی سے ذبح کر دیے جاتے ہیں حسین کیا کریں کون ہے جو سہارا کون ہے جو مدد کو آئے یا حسین